लेकिन यार ओप्पो वाले ने ना रिफ्रेश रेट में तो पैसे बचाए हैं, क्योंकि सिर्फ 90 हर्ट्ज का दिया है यार, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे ना 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो आराम से दे ही सकते थे, लेकिन नहीं देंगे भाई, पैसे भी तो बचाने हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो काफी कमाल के स्मार्टफोन के बीच में, जिसमें हमारा पहला स्मार्टफोन है Realme GT Neo 3T वर्सेस Oppo Reno 8 स्मार्टफोन, और आपको बताएंगे कि दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि Realme के अंदर हमें 6.62 इंचेस की फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। और वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से भाई दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया है, लेकिन यार Oppo वाले ने ना रिफ्रेश रेट में तो पैसे बचाए हैं, क्योंकि सिर्फ 90 हर्ट्ज का दिया है यार, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे ना 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो आराम से दे ही सकते थे, लेकिन नहीं देंगे भाई, पैसे भी तो बचाने हैं। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें पिक्सल डेंसिटी की, तो यहां पर Realme फोन के अंदर 397 PPI, वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के अंदर है 409 PPI। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स का एस्पेक्ट रेशियो है 20:9। और वहीं अगर हम बात करें स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहां पर Realme का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जिसमें आपको 2 साल के Android अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के साथ में आता है, जिसमें आपको 2 साल के Android अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जो कि कलर OS 12.1 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI दोनों ही मामलों में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें चिपसेट की, तो यहाँ पर Realme फोन के अंदर हमें Snapdragon 875G चिपसेट दिया गया, जो कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के अंदर हमें Dimensity 1300 5G चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं कि दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से भाई साहब यहां दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, काफी अच्छी गेमिंग आप कर पाएंगे दोनों चिपसेट के साथ में। और वहीं दोस्तों अगर हम बात करें एंटूटू स्कोर की, तो यहाँ पर Realme फोन का आता है 7,05,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन का आता है 6,75,000 के करीब। यानी कि दोस्तों एंटूटू स्कोर के मामले में भी यहाँ पर भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और वहीं अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की, तो दोनों स्मार्टफोन में हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर LPDDR4X RAM को भी सपोर्ट करते हैं। वैसे यार LPDDR5 ना भाई देना ही चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, पैसे तो बचाने ही है ना। और वहीं अगर हम बात करें बैक कैमरा सेटअप की, यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे Realme की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों हमें एक अच्छा कैमरा सेटअप दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में दिया गया है, बस यार मैक्रो का ये कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि भाई देने ही देना, बेशक यूजलेस कैमरा। और वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर स्लो मोशन मोड को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बात करें वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो उसमें तो भाई यहां पर पैसे बचाए गए हैं, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन यहां पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं, यानी कि भाई OIS हमें किसी ने भी नहीं दिया। और अगर हम यहां पर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहां पर Realme के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Oppo के फ्रंट हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर भाई Oppo का फोन ही बढ़िया है। और अगर हम यहां पर बात करें मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी की, तो आपको बता दूं कि Realme के फोन में हमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ Oppo के अंदर हमें 4500mAh की बैटरी दी गई है। और अगर हम यहां पर बात करते हैं फास्ट चार्जिंग की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर भाई 80 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों फास्ट चार्जिंग के मामले में तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन भाई बढ़िया हैं। और अब बारी आती है नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोस्तों 3.5mm जैक हमें दोनों स्मार्टफोन में से किसी में भी नहीं दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें स्पीकर्स की, तो यहां पर Realme का फोन स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, लेकिन Oppo का फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। यानी कि भाई स्टीरियो वाला मजा अगर आपको लेना ना, तब यहां पर Realme की तरफ जरूर से जाइए। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो
दोनों स्मार्टफोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Realme फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 28,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के 8+128GB वेरिएंट की कीमत है 30,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, Realme को या Oppo को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहां पर इस प्राइस पॉइंट पर भाई काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी यार अगर आपको मान लो फिर भी बड़ी बैटरी चाहिए, स्टीरियो स्पीकर्स वाला मजा चाहिए, तब आप यहां पर Realme की तरफ जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आपको फ्रंट कैमरा मतलब एकदम अच्छे वाला चाहिए 32 मेगापिक्सल का, तब आप यहां पर Oppo की तरफ जरूर से जा सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले कोई बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।